हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। देश में लगातार एक के बाद एक महिलाओं के साथ हो रहे रेप और हत्याओं से सभी परेशान हैं। ऐसे में बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने भी इंस्टाग्राम के जरिए ऐसे मामलों को लेकर अपना गुस्सा जाहिर किया है। हाल ही में हैदराबाद में महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी पर हर किसी ने अपनी नाराजगी जाहिर की थी। वहीं अब इंस्टाग्राम पर शिल्पा ने एक फोटो शेयर की है जिनमें से एक खबर उन्नाव पीड़िता के बारे में है और दूसरी खबर पश्चिम बंगाल के मालदा में एक महिला के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या के बारे में है। इन खबरों को शेयर करते हुए शिल्पा ने हमारे देश में महिलाओं की असुरक्षित स्थिति के बारे में बात की, जहां पीड़िता के साथ उदासीन रवैया अपनाया जाता है और अपराधी खुलेआम आराम से घूमते हैं। शिल्पा शेट्टी ने लिखा है, हमारे देश में महिलाओं की स्थिति और उनकी गरिमा बेहद निराशाजनक है। पिछले कुछ समय से स्थिति ऐसी ही बन गई है। अधिकांश के लिए प्रतिदिन बाहर निकलना काफी मुश्किल हो गया है। ये कुछ ऐसा है जो अपरिहार्य है। एक महिला के तौर पर मैं शायद ये बयां भी नहीं कर सकती कि दुष्कर्म पीड़िताओं और उनके परिवारों के प्रति उदासीन और निर्मम रवैये को अपनाते हुए देखना भी कितना घृणित और परेशान कर देने वाला है। हर रोज ऐसी खबरों को पढ़ना जिनमें लिखा हुआ होता है कि आरोपी को जमानत दे दी गई, वो बाहर है। ऐसा क्यों, किस लिए? ताकि उसे एक और जघन्य अपराध करने का दूसरा मौका मिले। हर उम्र की महिलाओं के साथ हिंसा और उस कुकृति में जिस तरह की बर्बरता को शामिल किया जाता है, उस बारे में पढ़कर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं एक बेटे की माँ हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस दर्द को उस हद तक महसूस कर पाऊंगी जिनका एहसास हर दिन बेटियों की माँ करती है। वहीं पीएम मोदी को अपने पोस्ट में टैग करते हुए शिल्पा शेट्टी ने आगे लिखा है, हैशटैग बेटी बचाओ को मात्र एक अभियान तक सीमित नहीं रखा जा सकता। इसका आशय पर्याप्त नहीं है अगर इसे अमल में ही नहीं लाया जा सकता। मैं अपने प्रशासन से सख्त कानून लागू करने का आग्रह करती हूं, जो न केवल भविष्य के अपराधियों पर रोक लगाएगी बल्कि ट्रायल से गुजर रहे अपराधियों को भी सजा देगी और साथ ही इन कार्यवाहियों को जल्द से जल्द निपटने की आवश्यकता है, क्योंकि न्याय में देरी न्याय न होने के बराबर है। जय हिंद। तो देखा आपने, शिल्पा शेट्टी ने पीएम मोदी को सीधा सीधा बोल दिया है कि बेटी बचाओ को महज एक अभियान तक सीमित नहीं रखा जा सकता है बल्कि इसमें अमल भी लाने की आवश्यकता है। वेल, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि शिल्पा शेट्टी के स्टेटमेंट का पीएम मोदी क्या जवाब देते हैं। वैसे शिल्पा शेट्टी की बातों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, आज मैं बहुत ज्यादा दुखी हूं। हैदराबाद में एक 22 साल की लड़की जो हाईवे पे जा रही थी, उसकी स्कूटी पंचर हो गई और वो हेल्प मांगी तो चार ट्रक ड्राइवरों ने उसको हेल्प करने के बदले उसका बलात्कार करके उसको मार दिया। दोस्तों, देश की लड़कियों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप हाईवे पे निकले या कहीं पे भी निकले तो सबसे पहले आपका पेट्रोल का प्रॉब्लम हो या पंचर का प्रॉब्लम हो, आपको हाईवे पे कभी रुकना नहीं है। ये दरिंदे जंगली जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये इनको ना उनकी माँ नजर आती है, ना इनको बेटी नजर आती है, ना उनकी बहन नजर आती है। ये हर किसी के साथ, अपनी बहन के साथ भी ये ऐसा ही करते हैं अपने घर में। सो दोस्तों, देश की महिलाओं को, लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जो भी अगर आप हाईवे पे जाइए, रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज आप पहले अपना पेट्रोल चेक करवा लें और पेट्रोल पंप पे जो भी आपकी बाइक है उनका टायर का जो पंक्चर है या हवा चेक करवा ले। आप अपनी इज्जत खुद बचाओ। यहाँ पे आपकी इज्जत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, खुद आप अपनी इज्जत को बचाओ। मैं अपने देश हिंदुस्तान देश के कानून से कहना चाहती हूँ कि ये जो हैदराबाद में कांड हुआ है, एक रेप हुआ एक लड़की के साथ, उनके चारों लोगों को, जो चारों जो लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर, इनको फांसी दी जाए। और अगर फांसी नहीं दे सकते हैं, इन लोगों को जो तालिबान में या फिर गल्फ कंट्री में जो सजा होती है, इनको नपुंसक बना दिया जाए, जहां उन चीजों को काट दिया जाए। इनको पता चलना चाहिए कि एक लड़की के साथ रेप करना क्या होता है। इनको सरेआम काट डालना चाहिए वो सारी चीजों को, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि जिस हिंदुस्तान में जितने भी ट्रक ड्राइवर
इस दुनिया में या जितने भी लोग जो रेपिस्ट हैं उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का कानून बहुत स्ट्रांग है। किसी भी लड़की के साथ, छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, उसके साथ रेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी को गुहार लगाती हूँ, हैदराबाद की पुलिस को गुहार लगाती हूँ, जितने भी हमारे लॉ है, कोर्ट है, कानून है, जज साहब है, इन सबको गुहार लगाती हूँ कि रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी भी लड़की का रेप इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ है तो उनके आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। जब तक कानून नहीं बदलेगा, एकदम स्ट्रांग लॉ रेप के लिए सजा नहीं होगी, तब तक ये रेप बंद नहीं होगे। जाग जाओ मोदी सरकार, जाग जाओ कानून लॉ, या जितने भी जज साहब है, वकील है, इस लड़की के लिए लड़ो। मैं अपनी आवाज उठा रही हूं आज इस लड़की के लिए, मैं न्याय मांगती हूं ये लड़की के लिए जो हैदराबाद में एक लड़की 22 साल की लड़की के साथ रेप हुआ। मैं सबको कहना चाहती हूं कि सब लोग आवाज उठाए, कानून के दरवाजा हिला दे, क्योंकि अगर हमारी आज आवाज नहीं उठी, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं, कब किसके साथ क्या हो नहीं पता। पुलिस हमारी मदद करे, पुलिस देश की लड़कियों की मदद करे, सरकार मदद करे, एडवोकेट, जज, सब लोग देश की लड़कियों की मदद करें। जय हिंद, जय भारत। नहीं, अगली बार ट्राई करेंगे कि बुराई की जीत बताएं। लेकिन मैं जान रहा हूँ कहाँ जा रही हैं। वो मैंने उसके ऊपर मैंने पोस्ट कर दिया है, वो आप देख लीजिए। व्हाट आई फील अबाउट दैट, बिकॉज आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट राइट नाउ, बिकॉज फिर देन आई लाइक ऑल डे टुडे, मुझे आज सुबह को ये पता चला, आई डिडंट नो अबाउट इट यस्टरडे। तो जब सुबह को पता चलेगा, आज सुबह से मेरा मूड बहुत ख़राब था, बिकॉज ऐसे लोगों को ना एक ऐसी राइट, वी विल रैप। दोस्तों, आज मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। हैदराबाद में एक 22 साल की लड़की जो हाईवे पे जा रही थी, उसकी स्कूटी पंचर हो गई और वो हेल्प मांगी, तो चार ट्रक ड्राइवरों ने उसको हेल्प करने के बदले उसका बलात्कार करके उसको मार दिया। दोस्तों, देश की लड़कियों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जब आप हाईवे पे निकले या कहीं पे भी निकले, तो सबसे पहले आपका पेट्रोल का प्रॉब्लम हो या पंचर का प्रॉब्लम हो, आपको हाईवे पे कभी रुकना नहीं है। ये दरिंदे जंगली जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ये इनको ना उनकी माँ नजर आती है, ना इनको बेटी नजर आती है, ना उनकी बहन नजर आती है। ये हर किसी के साथ, अपनी बहन के साथ भी ये ऐसा ही करते हैं अपने घर में। दोस्तों, देश की महिलाओं को, लड़कियों को ये कहना चाहती हूँ, जो भी अगर आप हाईवे पे जाइए, रात के अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, तो प्लीज़ आप पहले अपना पेट्रोल चेक करवा लें, और पेट्रोल पंप पे जो भी आपकी बाइक है उनका टायर का जो पंक्चर है या हवा चेक करवा लें। आप अपनी इज्जत खुद बचाओ, यहाँ पे आपकी इज्जत को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा, खुद आप अपनी इज्जत को बचाओ। मैं अपने देश हिंदुस्तान देश के कानून से कहना चाहती हूँ कि ये जो हैदराबाद में कांड हुआ है, एक रेप हुआ एक लड़की के साथ, उनके चारों लोगों को, जो चारों जो लोग हैं, जो ट्रक ड्राइवर, इनको फांसी दी जाए। और अगर फांसी नहीं दे सकते हैं, इन लोगों को जो तालिबान में या फिर गल्फ कंट्री में जो सजा होती है, इनको नपुंसक बना दिया जाए, जहां उन चीजों को काट दिया जाए। इनको पता चलना चाहिए कि एक लड़की के साथ रेप करना क्या होता है। इनको सरेआम काट डालना चाहिए वो सारी चीजों को, इनको कड़ी से कड़ी सजा हो, ताकि जिस हिंदुस्तान में जितने भी ट्रक ड्राइवर इस दुनिया में या जितने भी लोग जो रेपिस्ट हैं, उनको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान का कानून बहुत स्ट्रांग है। किसी भी लड़की के साथ, छोटी बच्ची हो या बुजुर्ग हो या महिला हो, उसके साथ रेप नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं मोदी जी को गुहार लगाती हूँ,
हैदराबाद की पुलिस को गुहार लगाती हूँ, जितने भी हमारे लॉ है, कोर्ट है, कानून है, जज साहब है, इन सबको गुहार लगाती हूँ कि रेप के लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। किसी भी लड़की का रेप इस हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए।